हेलो भाइयों और उनकी बहनों, मैं हूं मुफ्त ममता और आज के व्लॉग में भैया के भूत की कहानी सुनेंगे सीधा भैया के ही जुबानी। कहानी थोड़ी डरावनी है और गूस बम्स भी आ सकते हैं, तो बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ बैठ कर ही सुने और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले ताकि इस ट्विंकल लूथरा को सुकून की सांस आ सके कि कुछ तो सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। जाते जाते मेरे प्यार महेश की तरफ से एक छोटी सी ज्ञान की बात। अर्ज किया है ये कलयुग है साहब, अर्ज किया है ये कलयुग है साहब, यहाँ भीड़ को रश कहते हैं। अर्ज किया है ये कलयुग है साहब, यहाँ भीड़ को रश कहते हैं, और जो भीड़ में पसंद आ जाए और जो भीड़ में पसंद आ जाए उसे क्रश कहते हैं। महेश पापा यार सुनाओ वो हॉरर स्टोरी यार। कौन सी वाली? जो आप बता बोल रहे थे जो डर वाली। थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं। थैंक यू। एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये स्टोरी ट्रू स्टोरी है। हिमाचल प्रदेश में क्या था कि एक चंडीगढ़ से मनाली जाती थी एक बस रोडवेज की, हिमाचल रोडवेज मनाली चंडीगढ़ से मनाली। तो उसमें जो ड्राइवर था ना और जो कंडक्टर था वो काफी आपस में अच्छे दोस्त हुए। दोस्त थे पहले से अच्छे। तो उसका जो कंडक्टर था ना वो मतलब फेमस था कि उसने आज तक कभी कोई छुट्टी नहीं दी थी। अच्छा। और कभी कभी डे और नाइट हर टाइम पे जब भी जरूरत पड़ती थी तो अपनी जॉब पे आता था। Okay. अपनी वर्किंग करता था भले आता है कभी क्या। ओके। और एक बार की बात है कि वो लोगों का प्लान हुआ कि रात का उसकी शिफ्ट थी तो रात को निकल के अपना जा रहे थे मनाली के लिए। अच्छा, शिफ्ट से निकल गया। शिफ्ट अपना नाइट शिफ्ट थी उसकी। अच्छा। और वो जा रहे थे मनाली के लिए रात की शिफ्ट। तो बस में फैमिली वगैरह भी बैठी हुई थी, कुछ बच्चे वगैरह भी थे। क्या हुआ आगे जाके जब एक पर्टिकुलर पैच आता है जिस बहुत ज्यादा बिल्कुल आइसोलेटेड सुनसान सा पहाड़ी इलाके में। पहाड़ी इलाका। अच्छा, मनाली के रास्ते में। हाँ, मनाली के रास्ते में। अच्छा। बहुत ज्यादा बिल्कुल मतलब सुनसान सा पैच आता है। तो वहाँ पर आगे जाके पता चला कि आगे जाके जाम लगा हुआ है। तो दोनों दोस्तों ने मतलब ड्राइवर और कंडक्टर ने बात की कि चल काम करते हैं, ये यहाँ से लेफ्ट लेके निकाल देते हैं तो थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा लंबा जाम लगा हो। किसी ने उनको आते हुए बोला, जैसे जल्दी आते हैं ना आमने सामने से ड्राइवर वगैरह आते हैं आप लोग बात कर लेते हैं, तो वो बोला इधर से निकल जाओ। तो ठीक है, यहाँ से निकल जाते हैं। अब लोकल थे वो वहाँ के, तो उनको हर रास्ता आइडिया था, जो बस का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों लोकल थे, मतलब हिमाचल के लोकल थे। अब वो उस एक लेफ्ट कट पर निकल जाते हैं, तो निकल के आगे एक दुकान वगैरह मनी होती है तो वहाँ फ्रेश होने के लिए उनको उतार देते हैं जो पैसेंजर्स होते हैं, खुद उतर जाते हैं वहाँ पर। तो जो कंडक्टर होता है ना वो कहते चल यार मैं फ्रेश होके आता हूँ पीछे, तुम लोग आगे चाय वाय पियो अपना, वो अपने ड्राइवर को बोल के तो मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। वो आगे चला था फ्रेश होने के लिए और बहुत ज़्यादा ना मतलब जैसे तो क्या स्टेप के जो पहाड़ी जगह पे ना आपकी स्टेप फील्ड होती है। हाँ, तो वो स्टेप फील्ड कोई क्रॉस करके वो जाके वहाँ पर अपना सुसु कर रहा होता है। जब वो कर रहा होता है उस टाइम में एकदम ना क्या होता है करते करते उसको एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। अच्छा। बच्चे के रोने की आवाज़ आती है भैया, एकदम वो कहते ना एकदम शॉकिंग सा हो जाता बंदा कि हाँ भैया मेरे को इस टाइम रात के इतना डेट टाइम 12 बजे 1 बजे पहाड़ों पे तो वो टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कि आवाज़ कहाँ से आ रही हो, देखते हो सामने एक झोपड़ी बनी हुई है। तो वो नीचे सुसु कर रहा था। हाँ, सुसु में सामने एक झोपड़ी बनी हुई है वहाँ पर आवाज़ आ रही है। अच्छा। तो वो कहता है वो चल एक बार जाके देख लेता हूँ आवाज़ क्यों आ रही है झोपड़ी से जाके देख। हाँ, झोपड़ी में जाके। तो वो झोपड़ी तक बंदे से वो आगे जाता है झोपड़ी की तरफ जाता है।
वह जाके देखता है एक बच्चा बैठा होता है और बच्चा बैठा होता है और उसके बाद में उसको जाके पूछता है भैया पूछने जाता है कि बेटा क्यों रो रहे हो तो वो बच्चा जैसे उसको वो टच करने लगता है ना पूछने के लिए बेटा पहले दो तीन बार उसको आवाजें मारता है कि बेटा क्या हुआ रो क्यों रहे हो वो आवाज नहीं वो रिप्लाई नहीं करता फिर उसको बोलता है बेटा क्यों रो रहे हो आप वो अगेन रिप्लाई नहीं करता वो उसको टच करने लगता तो वो बच्चा हवा में मतलब वो बच्चा बैठा हुआ है लेकिन उसका हाथ हवा में रह जाता है मतलब कोई बॉडी की जैसे फील आती है ना फिजिकल प्रेजेंस नहीं मतलब टच नहीं करता फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती फिजिकल प्रेजेंस नहीं दैट इज कॉल्ड एंबुलेंस तो फिजिकल टच नहीं होता वो और एकदम वो हाथ उसका हवा में लड़का बैठा हुआ है वो एकदम पलटता है और एकदम पलटता है और सिर्फ उसकी गर्दन घूमती है बॉडी रहती है और उस जो देखते हैं ना वो जैसे एकदम कोई एकदम जैसे मतलब करंट लगता है ना वो वैसे गिर जाता है आदमी लड़का वो सॉरी आदमी जो कंडक्टर होता है कंडक्टर की सिर्फ गर्दन घूमती है नहीं नहीं जो बच्चा होता है बच्चे की बच्चे की सिर्फ गर्दन घूमती है बॉडी उसकी वही रहती है अच्छा और वो देख रहा होता है वो उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसके बाद कंडक्टर जब उसको देखता है उसकी हवा टाइट हो जाती है और उसके बाद गिर जाता है उठ के भागता है वो जोर से भाग रहा है कंडक्टर बहुत जोर से भाग रहा है भागता जा रहा भागता बट वो भाग नहीं रहा वो उसी खड़ी जगह पर अपने पाँव हिलाया जा रहा हिलाया जा रहा और वो बड़ी कोशिश कर रहा है और उसको स्वेटिंग हो रही है उसे मतलब दुनिया भर का उसको डर हो गया उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा इतने में वो भाग रहा बहुत भाग रहा है और एक जगह ऐसा आता है जहाँ वो कोई गिर जाता है वो झटका का तो गिरता वो गिरता 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 उसके फील्ड से नीचे आ जाता है काफी तो उठता है देखता है और उसके बाद में फिर उसके एकदम उसके जो ड्राइवर दोस्त है ना वो आवाज मारता वो आ जाता है उसको उसका हाथ पकड़ लेता है अच्छा उसकी हालत ऐसी देख के वो खुद डर जाता है कि इसको ऐसा क्या हो गया और ऐसा क्या देख लिया या क्या इसको दिख गया जिसकी वजह से इसको ऐसा हो गया और उसके बाद उसको लेके आता है वो कहानी बताता है और वहाँ सभी पैसेंजर्स को कहता है इमीडिएटली चलो यहाँ से अच्छा एंड दिस इज द ट्रू स्टोरी एंड दिस इज द ट्रू स्टोरी मतलब उस बेल्ट में आज तक उस कंडक्टर ड्राइवर ने उसके बाद में गाड़ी नहीं चली गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे भी ऐसी हालत थी मतलब कहते हैं मुझे लगा था तुम मजे ले रहे हो अभी कह दोगे और ये उसका सपना था फील हो ही आ रही थी नहीं ऐसा सपना नहीं था अब आपको बताया सॉरी होगी किसका नाम नहीं लेना चाहता आई नो देयर नेम्स एज़ वेल हां दोनों हां बस एंड कनेक्ट हां अच्छा नाम है मैं रोड टू टेक देता हूं तो ये थी भूत की कहानी खुद भैया के जुबानी अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना ट्रिप कंटिन्यू रखेंगे तो जो नए हैं वो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो और जो पुराने हैं वो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलना अच्छा तो अब मैं चलती हूँ मुझे महेश से चाय बनवानी है बाय महेश